आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। डॉक्टर राजकुमार सुमित्र की कविताएं मुक्त भावधारा की होती हुई छंद के सौंदर्य से रची बसी हैं। आसपास के वातावरण के साथ व्यक्ति के मन की विविधताओं से जुड़ी इन कविताओं का प्रभाव मन को गहरे तक स्पंदित करते हुए सोचने को विवश करता है। ऐसा सृजन जो पाठकों की विचारशीलता को नई दिशा और दृष्टि प्रदान करे, वही सार्थक सृजन होता है। तथाश्रय के उद्गार कला साहित्य संस्कृति को समर्पित पाथे संस्था के तत्वावधान में कला वेदिका में आयोजित डॉक्टर सुमित्र की दो कृतियां शब्द अब नहीं रहे शब्द एवं आदमी तोता नहीं के विमोचन अवसर पर अतिथियों ने व्यक्त किए। समारोह की अध्यक्षता प्रतिष्ठित महाकवि आचार्य भगवंत दुबे ने की। मुख्य अतिथि भाजपा नगर अध्यक्ष पूर्व महापौर प्रभास साहू थे। जबलपुर से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट। जी बताइए जी। आता एक प्रतीक सम्मान यशोवर्धन भैया श्री डॉक्टर आज की कार्यक्रम में आपके द्वारा प्रतीक सम्मान किया गया। मैं ये मान के चलता हूँ कि सर्वशक्तिमान की अंतरतम में जो हलचल होती है वो कविता है, कभी उसे शब्दों में व्यक्त करता है। और कोई कविता को समझे या न समझे, लेकिन कविता अपना काम करती रहती है। आज हमारे मित्रों ने एक समारोह ये किया और कुछ नए ढंग पर लिखी गई कविताओं का विमोचन किया। मैं ये आशा करता हूँ कि जबलपुर नगर जो कि एक उत्सव धर्मी शहर है, जबलपुर एक ऐसा शहर है जो भारतवर्ष में सबसे अधिक जहाँ कार्यक्रम सांस्कृतिक होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस नगर की ये पहचान बड़ी रहे। और मेरे प्रति जिन लोगों ने अपने प्रेम प्रकट किया है, स्नेह दिया है, उन सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। संस्कार धानी के लिए ये ऐसा पल है जिसको हम सजो सकते हैं। आज संस्कार धानी के गौरव पूरे देश के ख्याति लब्ध कई बार डॉक्टर राजकुमार सुमित्र जी की दो काव्य कृतियाँ शब्द अब नहीं रहे शब्द एवं आदमी तोता नहीं। जब कोई कवि अपनी भावों को शब्दों में पिरोकर काव्य का निर्माण करता है तो अपने आप में श्रेष्ठ हो जाता है। मैं विशेषकर इस अवसर पर ये जरूर कहना चाहता हूँ कि भाई हर्ष तिवारी जी ने अपने पिता की उस संस्कृति को और उनके काव्य को सजोने का जो बड़ा काम किया, अथक प्रयास किया, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि एक पिता को अपने पुत्र पर गर्व भी होना चाहिए कि जब बेटा उनके हाथ थाम कर चलता है, और आज वो बहुत सुनहरा पल है कि भाई हर्ष तिवारी जी ने अपने पिता की उन काव्य स्मृतियों को सजो कर संस्कार धानी और पूरे देश में जब ये काव्य संस्कृति जाएंगी कृतियाँ जाएंगी तो निश्चित रूप से पढ़ने का समझने का अवसर मिलेगा। मैं उन सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, भाई राजेश पाठक जी को और सभी मित्रों को जिन्होंने इस आयोजन में अभूतपूर्व मेहनत की और इस कार्यक्रम की सफलता भी हुई है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कला साहित्य संस्कृति को समर्पित देश की प्रतिष्ठित संस्था पाथे के तत्वावधान में वरिष्ठ कवि पत्रकार चिंतक लेखक विचारक परम श्रद्धे डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र की दो नव्यतम कृतियां जो मुक्त छंदी काव्य पर आधारित है शब्द अब नहीं रहे शब्द एवं आदमी तोता नहीं, इसका विमोचन कला बीथिका में संपन्न हुआ। ये दोनों कृतियों की जो कविताएं हैं वो अतीत वर्तमान और भविष्य का दिग्दर्शन कराने की सामर्थ्य रखती हैं। इन कविताओं में मुक्त छंदीय प्रवाह है, जीवन और जगत से जोड़ने की विलक्षण क्षमता है। डॉक्टर सुमित्र जिनका चिंतन समाज की मूल भावनाओं से जुड़ा हुआ है और जिन्होंने समसामयिक के विषयों पर चिंतन परक धारा के माध्यम से हम सबको दिशा प्रदान की है। देश के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ साहित्यकार जिन्होंने लगभग 30 से अधिक कृतियाँ सृजित की, आज उनकी इस कृति के विमोचन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय पूर्व महापौर श्री प्रभात साहू जी समारोह की अध्यक्षता कर रहे देश के प्रतिष्ठित लेखक महाकवि आचार्य भगवत दुबे जी विशिष्ट अतिथि के रूप में जिन्होंने समीक्षा प्रस्तुत की, सम्मानी संजीव वर्मा सलील उनके साथ अर्चना मलैया जी इस मंच पर डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी की इस कृति के लोकार्पण अवसर पर जबलपुर शहर की विविध संस्थाओं की सहभागिता रही जिन्होंने डॉक्टर सुमित्र के व्यक्तित्व कृतित्व को समादरित सम्मानित किया। मैं राजेश पाठक प्रवीण। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।